दोस्तों पिछले वीक लाइव स्ट्रीम में एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि सर स्टैटिक और डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला गेम है। अब इस गेम में कौन सा ब्लॉक किस ब्लॉक के साथ अटैच होगा, इसके लिए हर ब्लॉक पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, लेबल लगे हुए हैं, जिससे कि आप सभी ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर पाए। और इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से आप ब्लॉक्स को अरेंज करते हुए नई नई शेप्स बना पाते हैं, बिल्डिंग बना पाते हैं। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और ब्लॉक्स को आपस में जोड़ेगा। सेम इसी तरह स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कहानी है। स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हर एक चीज डिक्लेयर करनी होती है, इंस्ट्रक्ट करनी होती है, जिससे कंप्यूटर समझ पाए कि हाँ आप किस तरह का डेटा यूज कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर को ये बताना कि आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं या फिर नंबर यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल कहां पर यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब प्रोग्राम करते समय आपको ये सब इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी होती है, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आपको सीधा एरर दिखा देगा, प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए इसे स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। C++, जावा, C#, ये सभी स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। और अब आप समझ जाएंगे कि जहां पर भी आपको इस तरीके की नेसेसिटी पड़ रही है कि आपको कोई चीज डिक्लेयर करनी पड़ रही है, तो वो एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसी के अपोजिट बात करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल सेम लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का ही लेते हैं, लेकिन इस बार बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिए गए हैं, ना किसी तरीके के कोई स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ना कोई इंस्ट्रक्शन है। आप ब्लॉक से डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करेंगे, आप देख पाएंगे कि बिल्डिंग आपकी तैयार हो रही है। यही सेम फ्लेक्सिबिलिटी आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलती है। यहां आपको कुछ भी डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, कुछ भी डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, कंप्यूटर अपने आप फिगर आउट कर लेगा कि कौन सा डेटा टाइप कहां पर है, कौन सा वेरिएबल कहां पर है, ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम एनालाइज कर लेगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा इस चीज को। जाहिर सी बात है कि इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप करते हैं, जहां पर आपको कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्ट आप लिख रहे हैं, तो कोडिंग बहुत फास्ट हो जाती है, कोडिंग करना बहुत ही फास्ट हो जाती है और फ्लेक्सिबल भी हो जाती है। हालांकि डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको तब तक एरर शो नहीं होता जब तक आप पूरा प्रोग्राम लिख नहीं लेते, रन नहीं कर लेते। ये एक डाउनसाइड आप बोल सकते हैं, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, रूबी, ये कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल है जिनमें आपको डायरेक्ट कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो आशा करता हूं कि अब आप ये समझ गए होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा कि डायनामिक और स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, दोनों कहां पर यूज होती हैं और क्या होती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।